हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सिंपल और मैं हूँ डिंपल। और आज हम रिएक्शन देंगे किस पे बताओ? डम ब्लाइंड डेफ राउंड टू हेल्प पार्ट थ्री पे। तो जैसे कि मुझे तो राउंड टू हेल्प बहुत ज़्यादा पसंद है और टाइम ज़ाया नहीं करते राउंड टू हेल्प वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियोस भी लाइक कर दें, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब स्टार्ट कर दिए। अरे ये क्यों नहीं लग रहा? हाँ हो गया। भाई साहब, मैं आपका एहसान कैसे उतारूं? पिछले 6 महीने से इन तीनों ने इस पूरे स्टेशन में हल्ला काट रखा। ऊपर वाले मेरा लाख लाख शुक्र है। आ जाओ बे तीनों, तुम्हारी जमानत हो गई। अरे ना दरोगा साहब, हम ना जा रहे रबड़ी खाने। अबे गांडू, मर क्यों नहीं जाता तू? देख रहे हो भाई साहब, पिछले 6 महीने से इन्होंने ये सब कर रखा। अबे सालो बाहर आ जाओ, इन्होंने भाई साहब ने तुम्हारी जमानत करा दी। ना दरोगा साहब, मैं बाहर ना आऊंगा। अब तो इस धर्मशाला में मन लगने लगा है। धर्मशाला? देख रहे हो भाई साहब, ऐसे नहीं हमने। बसीम दरासों को पकड़ लिया, मार मार वो मार से तरीके ने दिमाग खराब कर रखा। दरोगा साहब, ये जमानत किसने कराई है हमारी? इन्होंने। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने हमारी बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने हमारी जमानत करवाई। नाजिम, ये पैरों में पड़ लिया और तू माफी मांग लिया, क्या कह रही है? बे सुतरी के, जमानत कराई है इन्होंने अपनी। क्या वसीम की गांड मारने को कह रही है? रीके, क्यों बे वसीम की गांड मारेगा तू? साले ऐसा थप्पड़ मारूंगा गांड पे, आने वाली 7 पुश्तों ही गांड में दर्द होगा। मुझे नहीं करानी जमानत। ऐसा कैसे नहीं करानी जमानत? क्या ऐसे कैसे नहीं करानी जमानत? मेरे पैसे मुझे वापस करो भाई साहब। फ्री में हो रही है जमानत और साथ ही अवार्ड भी मिल रहा है। बस इन्हें ले जाओ तुम यहाँ से। यार काम भी तो यही कर सकते हैं। तुम्हें याद है एक बार इंटरव्यू लिया था तुम्हारा? जी सर याद है मुझे, तो वही जो खुले गार्डन में लिया। हाँ इस बार अंधेरे में ले रहे हो? तीनों का तीनों कान खोल के सुन लो, अब मैं तुम्हें एक काम देने वाला हूँ। अब मैं तुम्हें गांड देने वाला हूँ? पहले हम लेंगे। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ। बहुत सही मारा सर सुतरी के, मेरा ही बैरा दिखे है। एक मैं भी रखूं साले के। आया मजा? साला सुतरी का बेइज्जती कराता रहेगा। ना ना जी, बिल्कुल गलत कह रही आप। अबे असली मजा दही सही है जलेबी का। साले मादर चोदो, तुम्हें बुला के मैंने यहाँ पर सबसे बड़ी गलती की है। निकल जा यहाँ से। पर काम भी तो यही कर सकते हैं। ठहरो, तुम्हें मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। एक आदमी को लटकाना है। किसको लटकाना है सर? मेरा आदमी तुम्हें उसकी फोटो दे देगा बाहर। ये लो फोटो और तीनों ध्यान से देख लो इसे। अरे भाई साहब, मैंने देख लिया, तीनों ने देख लिया। चील की निगाह है मेरी। हो जाएगा काम। देख ही नहीं सकता। पागल है। अरे भाई क्या कर रहा है? खीरा काट रही हूँ।
उल्टा जवाब बॉस को। सॉरी बॉस, रम्मी खेल रहा हूँ एमपीएल पे। अबे साले, रम्मी खेलने का मजा असली जिंदगी में है, फोन में नहीं। अरे बॉस, इसमें मजे के साथ साथ पैसा भी है, और तो और 1,00,000 तक जीत सकते हो। 1,00,000 रुपए? औकात है बैंक चोर? है औकात तेरी 1,00,000 की बात करने की? औकात देखेगी मेरी महबूबा। देख जीत गया लड़ू। क्या बात कर रही है? अरे बॉस, जितनी सैलरी तुम मुझे देते हो ना, इससे ज्यादा मैं रमी गेम खेल के कमा लेता हूँ। और तो और 100 रुपए का बोनस कैश मिलता है, जिससे कि तुम इंस्टेंट यूज करके पैसे कमा सकते हो। रिस्की होगा, सबसे ज्यादा सेफ है। क्यों, है ना एमपीएल बढ़िया? अबे हाँ यार, ये तो बहुत बढ़िया ऐप है, अभी डाउनलोड करता हूँ। पहले ये बता, फोटो दे दिया ना उन्हें? जी बॉस। अबे ये फोटो तो दे दिया उसने, लेकिन ये आदमी कहाँ मिलेगा? और सीधा कुरकुरे से ज्यादा टेढ़ा इसका। सुतरी के हमेशा अलग ही बोलता है। यार बहन चोद ने फोटो भी तो ब्लैक एंड व्हाइट दिया। बे कान है बे? अबे अंधा है क्या? अंधा किसे कह रही है बे? साले चील की निगाह मेरी। ये साला अभी से अंधे को ढूंढा, पता ना कहाँ चला गया। अबे वसीम ढूंढी से। आइसक्रीम की जिद कर रहा है। फोटो वाला आदमी तो ना है कहीं? मैच करके देखूं। जिंदा मैच हो रहा फोटो से। बस ए, से, से आदमी मिल गया। क्यों आया हूं यहाँ पे? फोटो वाला आदमी मिल गया, ये खड़ा मेरे सामने। भाई साहब, जब फोटो लिब्बा नु कह रही है, एक फोटो ले दो ना। लो गांड फाड़ बिलर मारियो। सुतरी के ना वाला फिल्टर ना है। वसीम, ये वही आदमी है फोटो वाला, जिसे आप लोगों को लटकाना। मार साले को। खोपड़ी तोड़ वसीम साले का, खोपड़ी तोड़। छोड़िए मत साले को, वसीम लटका ही दिए। बड़ा सुअर फोटो खींचा इस फोटोग्राफर ने साले ने। कद्दू का फोटोग्राफर है? इतना अंधेरा क्यों है? लाइट क्यों नहीं लगाई गार्डन में? डीएसएलआर ही लूंगा अपना किसी दिन। बताऊं फोटो का? आ, आ, बहन के लड़ो अकेले चले गए फोटो खिंचवाने। ये भी ना खिंचवा का आया क्या? तो तरीके चुप। वसीम लटका ही आया उसे। बात फिर कॉल लगा। हेलो हेलो, किसे लगा दिया? हेलो। हाँ हेलो। हेलो। अबे पैरे बोल तो रही हूँ, आवाज ना आ रही। भाई साहब नेटवर्क खराब है क्या? अबे भोसड़ी के पैरे, अंधे को फोन दे। हेलो। अबे बसीम फोन ले इससे। हेलो, काम हो गया भाई साहब, आ जाओ। वाह भाई वाह, बिल्कुल सही लोंडो काम दिया मैंने। 1 घंटे में जो काम कर दिया, कहाँ निपटाया? ये लटका हुआ तो है। हाँ वो लटका हुआ तो है। अबे सालो, ये किसको लटका दिया? अरे यही तो है फोटो वाला आदमी। अबे सालो फोटो तो देख ले करो, ये किसको लटका दिया? और सालो लटकाना नहीं था, मारना। बॉस, दीवारों के भी कान होते हैं। वाह क्या शेर सुनाया है। क्या निकल बताओ दीवारों तक के कान है, पर इस भोसड़ी वाले के कान नहीं है। अच्छे हम भी एक शेर सुना मैं। तो सुनो के निकल गई गर्मी आने वाली है ठंड। वाह वाह, के निकल गई गर्मी आने वाली है ठंड, और तू बहन के लोड़े ले ले मेरा लंग। ले एक बार फोटो और दिखा देने। लाओ ये फोटो दो मुझे, और ये HD में तीनों देख लो ध्यान से, और इस आदमी को मानना है जान से। अरे भाई साहब, मैंने देख लिया फोटो, मतलब तीनों ने देख लिया। चील की निगाह है मेरी। जाओ काम हो जाएगा, ठीक है? जान से मानना फोटो वाले इंसान को। आओ काम निपटा में। तो
अरे मुझे नहीं पता, पकड़ के लाओ ने। भाई साहब, और भाई साहब इस आदमी को देखा कहीं? अबे अंधे तू। अरे दरोगा साहब आप यहाँ कैसे? चलान काट रहा हूँ मैं तो। अरे दरोगा साहब इस आदमी को देखा हो तो बता दो। दिखा क्या 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 काम है इससे? बहुत जरूरी काम है दरोगा साहब, बस बता नहीं सकता मैं। कुछ तो गड़बड़ है। बेटे मैंने देखा, लाओ फोटो दो। ले। इसने उसी का दे दिया। मैं बसीम, भूख लग रही है, कुछ खाने का लिया? अरे ना पैसे ना है। क्यों पर्स कहाँ गया? ओई 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 चोरी हो गया। चोरी कब? मैं कुछ जुगाड़ डाल के आता हूँ देख खाने का भी। शादी बारात हो रही है देखना। मैं भाई साहब क्या हो गया? मौत होगी किसी की भाई साहब। क्या मौत होगी किसी की? क्या हो गया? मौत होगी किसी की। मैं भाई साहब कुछ मुंह से बोलो। अरे पर नाच के बताओ मौत होगी किसी की? शादी। अबे वसीम, अबे बेटे हो गया खाने का इंतजाम? कहाँ? वहाँ पे बारात निकल रही है, बस हमें नाचना आए। रुक वसीम, मुझे इस सुतरी के कानों पर भरोसा नहीं है, खुद अपनी आंखों से देखता हूँ। हमारे घर के। अरे भाई साहब किसकी बारात निकल ली? मेरे अब्बा की बारात निकली, आजा शामिल हो जा। उसको गुस्सा आया था, गुस्से में बोल दिया। पूछूं क्या हुआ? मैं क्या हुआ? बिल्कुल सही कह रही है वसीम, किसी के अब्बा की बारात निकल ली है, तुरंत खाने पे टूट पड़ो। ओ, 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 आज मेरे यार की शादी, आज दिल का, आज मेरे यार की शादी। क्या हुआ वसीम? आयो ये कैसी बारात है? अबे यही तो बारात है, नया ड्रेस कोड है, ये स्टाइल। दूल्हा सोता हुआ क्यों जा रहा? अभी सोगा जब ही तो रात को। बारात तो रात की है ये। ना नाचे यार, नाश्ता निकल जाएगा। जूली जूली तूने बदल लाया मेरी जान, जूली जूली मेरी जान। लो भी वसीम मंडप भी आ गया। और भाई साहब कौन सी गाड़ी मिली है दहेज में लौंडे को? बाबूजी का संस्कार बाद में होगा, पहले इन तीनों का संस्कार करेंगे। देख 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 स्वागत के लिए आ रहे हैं, गोदी में लेके जाएंगे। बारातियों का स्वागत ऐसी तो होता। कौन स्वागत करता है वसीम बरातियों का? भाई ये फोटो है उस आदमी का जिसे मारना था। और ना मर्सिडीज डीजल में आती है। सुतरी के समझा वसीम ने? वही आदमी है। वैसे तो मैं भाई मार देता ऑफिस में। भैया अभी तो 150 साल गए हुए थे तो। भैया भैया ओवर हो रहा है, चच्चा उठ जाएंगे, इतना मत करो, प्रॉपर्टी निकल जाएगी। पहले नाजिम ये तो यहीं आ गया आदमी, मैं इसे निपटा के आता हूँ, तुम यहीं बैठो। समझ गई। बेरे ये क्या कर रहा है? फोटो तो देख ले, फोटो किसका है? ना खिचड़ी में मोटा चावल ही डलता।
हैंग आउट बच गया। हैंग आउट बच गए आप। समझ में नहीं आ रहा फोटो किसने चेंज किया है। समझ में नहीं आ रही मेरा फोटो किसने दिया है इन्हें। अब भाई साहब अगली गोली तभी मारेंगे माथे में जब पूरे पैसे दे दोगे। अबे क्यों मारना चाहते थे इसे? दरोगा साहब उन्हें जानते हो, मीडिया वाले रिपोर्टर मनोज को। हाँ बस उन्होंने ही दी थी इस आदमी की सुपारी हमें। अबे तू मरवाना चाहता था मुझे? दरोगा साहब एक मिनट मैं जरा एक से हिसाब कर लूं। क्यों बे किसे दिया फोटो? इसको। अबे साले तुझे भी इन तीनों में से यही मिला ये अंधा। किसकी बात कर रहे हैं ये? पांक यही तो कह रही है इसकी चील की निगाह। मत्थे में गोली निकाल दूंगा। सच सच बता क्यों मरवाना चाहता था मुझे? दरोगा साहब मैं तुम्हें इसलिए मरवाना चाहता था कि मैं आईफोन 11 ले सकूं और अपने रिश्तेदारों में और इंस्टाग्राम पर रोला काट सकूं। वो कैसे? तुम्हारी मौत की खबर मेरे न्यूज चैनल पर ज्यादा चलती तो मैं ज्यादा पैसे कमाता और आईफोन 11 ले आता। अब मैं लाऊंगा चल। मैं दरोगा साहब क्या करना है? कितनी सुपारी मिली है मेरे मर्डर की? क्या बात कर रहे हो? बता दे। सबको पता चल जाएगी। हाँ बता दे। अबे नाजिम और वसीम, अबे ये जो सफेद कुर्ते में है ना दरोगा साहब कह रहे हैं सब आतंकवादी हैं। अरे मारे बेटी मार। और दोस्तों वीडियो को हर जगह शेयर करो यार। गाइस MPL प्रो ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पे रमी खेलो इस दिवाली। सबसे ज्यादा विनिंग चांस है और सबसे कम रिस्क है उसमें। एंड अभी साइन अप करने पर आपको 100 rupees का ज्वाइनिंग बोनस भी मिलेगा MPL प्रो ऐप पे। तो गाइस डाउनलोड करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और गाइस जल्दी से इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, वहाँ पे हमें #R2H #hashtag के साथ क्वेश्चन पूछो। हम जल्दी से एक Q&A लाने वाले हैं 10 million पर। एक पोस्ट आएगी इंस्टाग्राम पेज पर, तो वहाँ पे तैयार रहो, उस पर पूछना आप क्वेश्चन। 10 million पे एकदम धमाकेदार Q&A आने वाला है। अच्छी थी कि नहीं? बहुत अच्छी थी यार। मुझे तो जैसे मैंने पहले भी कहा है कि मुझे राउंड की हेल्प बहुत पसंद है और इनकी तो सारी वीडियो एंड होती है, एंड मजे की होती है। और वैसे भी जो हमारे YouTube फैमिली, जो हमारे फैंस हैं, उनको भी राउंड टू हेल इतनी पसंद है। जब भी कमेंट करते हैं राउंड टू हेल, राउंड टू हेल, राउंड टू हेल, राउंड टू हेल। सो हम सबके मैंने कमेंट में पढ़ा था कि एक फैन ने कमेंट किया था कि आप कमेंट पढ़ते हैं या नहीं, आप हमें अपनी वीडियो में ज़रूर बताइएगा और इसका जवाब दीजिएगा कि आप वाकई हमारे कमेंट्स पढ़ते हैं नहीं। तो भाई हम आप सबके कमेंट्स पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि उन कमेंट्स को पूरा करें जो आप हमें कमेंट्स करते हैं और वीडियो कहते हैं कि इस पर रिएक्शन दे, तो हम कोशिश करते हैं बारी बारी उस पर रिएक्शन देने की। और मैं रिप्लाई भी करती हूँ कुछ लोगों को, बिल्कुल काफ़ी सारे होते हैं तो मतलब कमेंट्स काफ़ी सारे होते हैं लेकिन कुछ कुछ को फिर भी मैं रिप्लाई कर देती हूँ। सो आप लोग दिल पे इस बात को ना लीजिएगा कि हम आपके कमेंट्स नहीं पढ़ते, पढ़ते हैं, हम ज़रूर पढ़ते हैं। और थैंक यू सो मच कि आप हमें बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, थैंक यू। मैं भी शुक्रगुजार हूँ और आयशा भी, बिल्कुल। ओह सॉरी, सिंपल भी, सिंपल डिंपल। अच्छा गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि हाँ भाई वीडियो अच्छी थी यार, तुम दोनों प्यारे लग रहे थे। और हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।